जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ वर्षा दुबे। वेलकम यू ऑल इन माय सोशल साइंस क्लास। इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस दैट हाउ डिड द थिंग्स वेयर गोइंग टू चेंज एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस अकर्ड इन द सोसाइटी। पिछले वीडियो में हमने देखा क्या चेंजेस आए और कैसे चेंजेस आए रशियन सोसाइटी में। लेनिन केम बैक फ्रॉम एग्जाइल एंड गिवन द आइडिया ऑफ अप्रैल थीसिस एंड डिमांडेड दैट सोवियत शुड टेक ओवर द गवर्नमेंट। लेनिन वापस आते हैं एग्जाइल से और अप्रैल थीसिस का आइडिया देते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, वो डिमांड करते हैं कि सोवियत्स के हाथों में प्रोविजनल गवर्नमेंट से पॉलिटिकल पावर सीज करके सोवियत्स के हाथों में आ जाना चाहिए, ठीक है, और पूरी जो सत्ता है वो इनके हाथों में आ जानी चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ अप्रैल थीसिस, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। अप्रैल थीसिस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों बनाया गया, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है अप्रैल थीसिस, यही हम डिस्कस करेंगे, लेनिन अप्रैल थीसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एग्जाइल लेनिन प्रेजेंटेड 3 डिमांड्स। अप्रैल थीसिस में लेनिन 3 डिमांड करते हैं। आफ्टर कमिंग बैक लेनिन प्रेजेंटेड द 3 डिमांड्स विच केम टू नो अप्रैल थीसिस। इसी को अप्रैल थीसिस कहते हैं, उनकी जो 3 डिमांड्स थी। कौन सी 3 डिमांड थी? सॉरी, वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, यानी युद्ध को खत्म करना चाहिए। लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स एंड बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड, है ना, बैंक का नेशनलाइजेशन होना चाहिए, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन पीजेंट्स के हाथों में हो जाना चाहिए। लेनिन वॉन्टेड टू ब्रिंग पीस इन द सोसाइटी सो दैट ही डिमांडेड टू एंड द वॉर। वो शांति चाहते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध को खत्म करने की बात की। He thought land should be redistributed to the peasants and he asked the bank that bank should be nationalized. It should be controlled by the government. Bank भी किन के द्वारा control होनी चाहिए? Government के द्वारा। और government किसकी हो? Soviets की होगी। तो यही demand जो थी Lenin की, इसे ही April thesis के नाम से जाना जाता है। He also argued to rename Bolshevik party to Communist party. Why? उन्होंने और क्या बातें कही? उन्होंने कहा कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी हो जाना चाहिए, एंड टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, ये अभी हम डिस्कस करते हैं, कनेक्ट विद आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। ही वॉन्टेड टू चेंज द नेम ऑफ बोल्शेविक पार्टी एंड रीनेम्ड इट एज कम्युनिस्ट पार्टी। द रेडिकल एम्स ऑफ कम्युनिज्म which was bring by Karl Marx can be indicated, क्योंकि Karl Marx का कहीं ना कहीं एक प्रभाव दिख रहा था। फिर है, however, many other members of Bolshevik party were initially surprised by April thesis. Why? कहता है कि हालांकि जब Bolshevik party के supporters भी थे, वो भी Lenin के इस April thesis के idea से बड़े surprised थे कि अरे Lenin ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? By the ideas of Lenin given in April thesis, the member of Bolshevik party were also surprised. क्यों वो भी आश्चर्यचकित थे? Because they thought it was not the right time for socialist revolution. The provincial government should be supported. उनको लगता था इसके members को Bolshevik party के कि Lenin ऐसा क्यों कर रहे हैं, भले ही वो उसके supporter थे, लेकिन उनके मन में एक surprise, एक आश्चर्य वाली स्थिति हुई। उन्होंने कहा अभी तो रेवोल्यूशन करके इतना कुछ ठीक ठाक हुआ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, सो दिस टाइम दे मस्ट सपोर्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अभी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ठीक ठाक काम कर रही है, तो उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, है ना। द सपोर्टर ऑफ लेनिन मीन्स मेंबर्स ऑफ बोल्शेविक पार्टी थॉट दैट इट वॉज नॉट द राइट टाइम टू डू अगेन अनदर रेवोल्यूशन। राइट नाउ दे वॉन्टेड टू सपोर्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बट द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड। लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ पिछले कुछ महीनों में, उन्होंने उन चीज़ों ने उनके विचार बदल दिए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समथिंग हैपन विच चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल। लोगों की विचारधारा बदल गई, कुछ ऐसा हुआ कि जो उनके मन में जो सरप्राइज था वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया, उनके विचार बदल गए। नाउ दे वर सपोर्टिंग द लॉजिक ऑफ लेनिन, और धीरे धीरे वो लेनिन की लॉजिक को, उनकी बातों को सपोर्ट करने लगे। इसके क्या कारण थे, यही हम अपने अगले पार्ट ऑफ वीडियो में
नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ आई थिंक यू कैन कोरिलेट द स्टोरी दैट आफ्टर प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म्ड देन लेनिन केम बैक एंड गिवन हिज अप्रैल थीसिस. मेरे ख्याल से आप कोरिलेट कर पा रहे होगे चीज़ों को. तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गैप पीरियड कि फरवरी से अक्टूबर में रेवोल्यूशन आने वाला है, तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे थे. ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे. और हमारा टॉपिक होगा रीजंस फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन, यानी अक्टूबर रेवोल्यूशन जो हुआ उसके कारण क्या थे. आज के लिए इतना ही. प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड यस डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन. टिल देन गुड बाय. जय हिंद.